और वही खबर कराहल से है, जहां 9 दिनों से चल रही रामलीला के द्वारा से श्री राम जी के जीवन चरित्र और धर्म अधर्म के परिणाम को जन जन तक पहुंचाने का काम कराहल रामलीला मंडल ने बखूबी किया है। तमाम सारी लीलाओं, राम जन्म, राम विवाह, वन गमन, तारिका वध, सीता हरण, शबरी आश्रम, बाली वध, लंका दहन, विभीषण संवाद, संजीवनी पर्वत लीला, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण वध के माध्यम से इतिहास के पन्नों में दर्ज की जीवनी को हमारे कराहल के योग्य कलाकारों ने चरितार्थ प्रस्तुत किया। आपको बता दें, सभी दर्शकों में एक सकारात्मक व्यवहार का प्राकट्य हुआ है। आज इसी के तारतम्य में 10वें दिन रामलीला के अंतिम पड़ाव पर राम रावण युद्ध का भयंकर संवाद हुआ, जिसके तहत कराहल के मुख्य बाजार से होते हुए लंकेश रावण अपने वीर पुत्र मेघनाद, वीर योद्धाओं और चतुरंगिनी सेना के साथ श्री राम और लखन से युद्ध के लिए रणभूमि की ओर चल पड़ा है। लंकेश गुस्से में कहते हुए नजर आए कि बहुत हुई युद्ध में व्यर्थ हानि की, परिणाम अब तो पहुंचे कहानी, अब होगा फैसला, आज या तो वनवासी नहीं रहेंगे या फिर रावण। वहीं इंद्रजीत भी गरजते हुए बोला कि पिछली बार तो शक्ति से संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण तुझे बचा लिया था, आज कोई भी बचा नहीं पाएगा। वही श्री राम भी अपनी मंद मुस्कान के साथ लक्ष्मण से बोले कि आज देव ऋषि और संतों का श्राप रावण का काल बनकर रणभूमि में उसका इंतजार कर रहा है। आज अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराने का समय भी आ गया है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने की जो भड़की है, उसके समापन का समय आ गया है। इसके बाद मंडी प्रांगण में रावण के पुतले का पहले मंडल द्वारा पूजन किया गया और अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध किया है और रावण का पुतला दहन कर दिया गया। देखिए कराहल से अमित श्रीवास्तव की।